नमस्कार दिन दुईटार अपडेट्स आपको स्वागत करुच्ची मु शक्ति किंतु प्रथम विस्तृत खबर को जवाब पूर्व देखने कौन रही है लाइव युक्त दुई परीक्षा बातिल सीबीएसई द्वादश पर राज्य में बातिल है परीक्षा परीक्षा ठारु छात्र छात्री जीवन गुरुत्वपूर्ण नुहे कहले मुख्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पद्धति रे मूल्यायन सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में वैज्ञानिकों प्रशंसा कले प्रधानमंत्री कहले वर्षक प्रस्तुत होई मेड इन इंडिया वैक्सीन कोरोना महामारी शताब्दी बड़ चैलेंज देश में एवं कमुची संक्रमण रथकलार अभावन्य दृश्य दुई विश्वकर्मा सेवायत हताहती कारण अस्पष्ट झगड़ापी रथकाम बाधाप्राप्त घटना को विभिन्न महलू निंदा मयूरभंज सीरीज दुर्घटना पर उत्तेजना लुहापथर बोझे ट्रक दुर्घटन चलीगला तीन जीवन प्रतिवाद रे स्थानीय लोकों जातीय राजपथ अवरोध गाड़ी मोटर चलाचल ठप ग्राहक बेश माड़ बसला क्राइम ब्रांच एसटीएफ जलेश्वर दुई केजी रु अधिक ब्राउन सुगार जबत आनुमानिक मूल्य दुई कोटी टंका तीन गिरफ धला जहर लिंक नहीं चली खोलता एवं कोविड कटकणा कुफू नवरंगपुर कचाबाल गांव में बालीजात्रा रे शह शह लोक सामिल पारंपरिक नाच गीत रहले मजगूल नथिला सामाजिक दूरता पिंधि नथिले मास्क जात्रा कमिटी ठारु 10,000 टंका जरिमाना आदाय मुख्यमंत्री बड़ घोषणा बातिल हेला युक्त दुई परीक्षा परीक्षा ठारु छात्र छात्री जीवन मूल्यवान बोली कहिछंति मुख्यमंत्री सारा देश में कोविड महामारी द्वितीय लहर वर्तमान एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि करिछि एथिरे सबुठारु अधिक प्रभावित होइछि पिलामानंकर पाठपढ़ा और लोकमानंकर जीवन जीविका किंतु ए सबुठु ऊर्ध्वरे मनीषर जीवन सुरक्षा तेणु छात्र छात्री शिक्षक अभिभावक समस्त स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टि रखी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित चलित वर्षर द्वादश श्रेणी वार्षिक परीक्षा को बातिल करा जायछि बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा करिछंते मुख्यमंत्री कहिछंते जे जीवन आग आ सबु पछ जीवन सुरक्षित रहिले आग को अनंत संभावना रहिबो एवं समाज और सभ्यता आग को बढ़िबो आम देश और जातिर भविष्य आम पिलामानंकर स्वास्थ्य सुरक्षा परीक्षा ठारु बहु अधिक गुरुत्वपूर्ण परीक्षा करा जायथिले छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक माने बहु असुविधार सम्मुखीन होइथांते तेणु छात्र समाज रा बृहत्तर स्वार्थ को दृष्टि रखी राज्य सरकार परीक्षा बातिल संक्रांतीय एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करिसेंति बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति द्वादश श्रेणी रे छात्र छात्री का दक्षतार मूल्यायन विशेषज्ञ मानक परामर्श क्रमे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तम भाव निर्धारण मापदंड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा मध्य करने मुख्यमंत्री निर्देश देते ए मूल्यायन में जदि कौन छात्र छात्री संतुष्ट न हुंती तेबे से माने चाहिले परीक्षा दे परिबे एवं परिस्थितिर समीक्षा करी परीक्षा केते बेले करा जीव तहा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद निर्णय करिबे बोली कहिछंती मुख्यमंत्री परवर्ती खबर को जीवा सीएसआईआर सोसाइटी बैठक में वैज्ञानिकों प्रशंसा कले प्रधानमंत्री मोदी कहते वर्षक प्रस्तुत हो मेड इन इंडिया वैक्सीन वर्तमान आम वैज्ञानिक अन्य देशर वैज्ञानिकों कांधरे कांध मिसाई काम करते भी मानव समाज पर कौन बड़ संकट आसी विज्ञान भल भविष्य रास्ता प्रस्तुत कर वैज्ञानिक मैंने देश को आत्मनिर्भरशील कर प्रधानमंत्री कहते कोरोना महामारी शताब्दी सबुठ बड़ चैलेंज देश में एवं कोरोना संक्रमण ह्रास पाचे एवंबी आमर संकल्प आत्मनिर्भर भारत सशक्त भारत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बा सीएसआईआर सोसाइटी
बैठक में अध्यक्षता करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे बैठक में जोगद प्रधानमंत्री इतिहास इस बात का गवाह है जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है, बेसिक नेचर है। यही काम सदियों से दुनिया के और भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। यही काम वो आज एक बार फिर कर रहे हैं। आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जात की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। एक साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। चासी घर बहु मोनालिसा भद्रा ट्रक ठारु आरंभ करे ट्रैक्टर और बुलेट ठारु घोड़ा पीठी रे सवार हुई राज्यवासी दृष्टि आकर्षण करथिया बळे माकड़ मानक सेवा करी किछि वर्ष हला यूट्यूब रे राज करुछंती। उभय मोनालिसा और स्वामी बद्रीनारायण भद्रांक वीडियो यूट्यूब रे अपलोड हेबा परे 76 कोटी दर्शकों पसंद पलटिश। आसन देखा रिपोर्ट। जलघेर अंचल दे छुटी बुलेट कृषक घर बहु मोनालिसा एक मांकड़ को गाड़ी में बसाई गंतव्यस्थल अभिमुखे बाहरी। मोनालिसा निकट में मांकड़ोटी तार मांकड़ामी भूली मनीष शिशुटीए पर बोल मानि बसी किछि बाट जीवारे सामना को आसी जाइथिबा मांकड़ पलंकु बादाम खुआउछंती मोनालिसा। ए दृश्य को टिके भल कर देखंतु। मांकड़ प्रति ग्रामीण जाजपुर गृहिणी मोनालिसा बात्सल्य ममता केते निबिड़ आउ गभीर देखिले आपण मन भी चहली उठिब। पिलांक पई हाथ में खाद्य धरी माँ जेपरी अपेक्षा करी रही थाए एटी सेपरी अपेक्षा करिछंती मोनालिसा। मांकड़ भी बुझिपारी माँ ममता दौड़ी दौड़ी सीधा आसी कोलरे हाजर। मांकड़ प्रति पत्नी एभली ममता प्रथम थर जेब देखिली टिके नियारा लागिला एहाकु वीडियो करी यूट्यूब रे अपलोड कली। सेदिन ठारु कोटि कोटि लोक आम वीडियो को अपेक्षा करी थांती बोली कहंती मोनालिसा को स्वामी बद्रीनारायण। माकड़ मान को जे भी देखुचंती घर पाक गला माने से डियां कुदा करतुवारु ताकु गोडेइबार वितृष्णा भाव छड़ा भल पाइबार भावनाटा केबे भी आसुनी तेणु से माने गोडेइ दियंती। आम घर भी आम बाड़ी रे भी जो जो पनीपरिया जहाँ भी ताकु आम बचेवाई माकड़ मान को गोडेइ दियंती किंतु प्रथम थर कर देखिली से गोटे स्त्री लोक जे सी माकड़ मान खावाक दौर से मो इंस्पिरेशन मत मिलला जे मु यूट्यूब रे ए वीडियो मान तैयारी करी तांकु खावाक दे कि लोक मान इंस्पिरेशन देले देश जाकर जिते सब माकड़ अच्छा जदि किसी लोक मोटिवेट होती हाथ बढ़ाती किसी हाथ बढ़े कि किसी दबा चेष्टा करती मनीष आउ माकड़ मान भितर जो संपर्कटा अच्छी एक सुसंपर्क ही गढ़ी उठ मत मोर विश्वास अच्छी जे से आगामी दिन मानक आग को बहुत किसी आग को करी माने सब आम गाँ ठू आरंभ कर देश विदेश समस्त को सी गोटे प्रेरणा जोगे देव बोली मोर विश्वास।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେରୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜହଳ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଘରର ବହୁ ମୋନାଲିସା ଘୋଡ଼ାରେ ସବାର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏବେ ମହିଳା ଆଉ ନିଜକୁ ଘରକରଣରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖୁନି। ମୋ ବୋହୁ ଜଣେ ଭଲ ବୋହୁ, ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଦଶଚକିଆ ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବସ୍ ଚଳାଇବା ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ପାରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିଲେ, ଏଭଳି ବୋହୁ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ମୋତେ ଆସିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଲୁଗା ଧୋଇନି, ମୋ ଲୁଗା ଧୋଇଦିଏ, ମୋତେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଦୁଇଥର ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ ଦୁଆର ଖରକା କତୁରୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ପୋଛା କତୁରୁ, ସବୁ ସର୍ବଶେଷ ରୁଣ୍ଡାଏ, କଂସା ମଜା କତୁରୁ ସବୁ କରେ। ବହୁତ ତା'ର ନକରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାପ ଦେଖୁଛି, ନକରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦଶଚକିଆ ଟଲର ବି ଚଲାଉଛି, ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛି, ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଉଛି, କାର୍ ବି ଚଲାଉଛି, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ବି ଚଢ଼ୁଛି। ବୋହୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଜିପ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟଲର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କାମ ଦେଖିକରି ଆମେ ଖୁସି। ବାହାର ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଭିରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ମୋନାଲିସା ରାଜଧାନୀର ରାଜପଥରେ ଭଲବୋ ବସ୍ ଚଲାଇ ନାରୀ ଯେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଏହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିଳିଥିଲା ଦର୍ଶକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ମୋନାଲିସା କହନ୍ତି, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମୋନାଲିସା କହନ୍ତି, ଭୟମୁକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାରୀ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। ଆଗକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଆମର 22 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେଣି, ଆଗକୁ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଆମ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସବୁ ଘର ଧନ୍ଦା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀ ଘରର ଏହି ବୋହୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନୂଆ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସିଧା କଥା ହୋଇପାରିବେ ଯାଜପୁରର ବୋହୁ ମୋନାଲିସା ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଆଜି ଦିନ 3:30। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଚଢ଼ଉ, 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକିବାକୁ ଜଗିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 3 ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧଳା ଜହର ଲିଙ୍କ ନେଇ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରେମିକା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଘର ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରେମିକା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକ ଜଣଙ୍କ ରାଜି ନହେବାରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସହ ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଏବେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।